गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टॉप फॉर यू। मैं हूं चंदन। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा है तो आपको पता लग ही गया होगा कि इस वीडियो में हम बैट स्विच की वायरिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो ऐसी सर्दी में रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता कि अगर हमने लाइट ही बंद करनी हो तो कैसे करें। ऐसे लगता है कि जैसे रजाई से निकला तो जिंदगी ही खत्म हो गई हो। तो दोस्तों, इसी समस्या का समाधान हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो क्यों ना हम एक बेड स्विच लगा लें और अपने बेड से ही कभी भी लाइट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बेड स्विच की वायरिंग के बारे में सीखना चाहते हो, हम कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर बेड स्विच अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो इसके बारे में इस वीडियो में पूरी बात की गई है। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप बेड स्विच की वायरिंग के बारे में इजीली कर सकते हो और जान सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बेड स्विच की वायरिंग करने से पहले हम उसकी सर्किट डायग्राम देख लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने पेपर पर पहले ही सर्किट डायग्राम बना रखी है। तो इसमें एक बल्ब है और एक बेड स्विच आपको शो हो रहा है और इसको हमने 230 वोल्ट एसी सप्लाई देनी है। तो दोस्तों, हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो कि न्यूट्रल है, अब आपको पता है कि 220-30 वोल्ट की सप्लाई में एक फेस दिया जाता है और एक न्यूट्रल। तो हम बल्ब को सीधे न्यूट्रल की सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे जो कि इस तार से कनेक्ट हो जाएगी। अब हमें फेस की सप्लाई को डायरेक्टली बल्ब में नहीं देना है, उसको हमने बेड स्विच के द्वारा बल्ब के कनेक्शन टर्मिनल पर कनेक्ट करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि फेस पहले बेड स्विच के एक टर्मिनल पर आता है और दूसरे टर्मिनल से एक तार बल्ब के टर्मिनल पे कनेक्ट कर दी जाती है। तो इस प्रकार से बेड स्विच के कनेक्शंस किए जाते हैं। अब हम इसे प्रैक्टिकली भी कर देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें बेड स्विच के कनेक्शन करने के लिए चाहिए क्या क्या। तो उसके लिए एक हमें बल्ब होल्डर चाहिए। आप देख सकते हो जो एक बल्ब होल्डर है, एक हमें बल्ब चाहिए। तो इसके लिए हमने एक सीएफएल लैंप रखा हुआ है और एक बेड स्विच जो कि देखने में इस प्रकार का होता है, ये चाहिए। और कुछ वायर्स चाहिए जो कि मैंने पहले ही अपनी अनुसार काट रखी हैं ताकि वीडियो बनाने में कोई दिक्कत ना हो। और टूल्स में हमें एक स्क्रू ड्राइवर या टेस्टर का यूज कर सकते हैं और एक प्लायर का यूज करना होगा। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बल्ब को न्यूट्रल की सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे कि ये होल्डर है, अब हमें इसके एक टर्मिनल को न्यूट्रल की तार से कनेक्ट कर देंगे। अब आपको पता है कि न्यूट्रल के लिए हमेशा काली तार यानी कि ब्लैक तार का यूज किया जाता है, तो इसलिए मैंने पहले ही ब्लैक तार रखी है। तो इसके होल्डर के एक टर्मिनल को हम न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं। दोस्तों, कनेक्शन करते समय ये बात जरूर ध्यान रखें कि कोई भी वायर लूज ना रहे, क्योंकि अगर कोई भी कनेक्शन लूज रहा तो वहां पर स्पार्किंग होती रहती है जिसके कारण वायर और वो टर्मिनल जलने की शंका बनी रहती है। तो इस प्रकार से इसे बिल्कुल टाइट कर दें। तो आप देख सकते हो, हमने होल्डर के एक टर्मिनल को काली तार यानी कि न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे एंड पे फेस की सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। तो उसके लिए हमने रेड तार का यूज किया है। आप मेरी कलर कोडिंग की वीडियोस भी देख सकते हो, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फेस के लिए, न्यूट्रल के लिए और अर्थ के लिए कौन सी वायर्स का, कौन से कलर्स की वायर्स का यूज किया जाता है। तो अब हम इसके दूसरे टर्मिनल पे फेस की सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, एक टर्मिनल पे काली तार जिसमें न्यूट्रल आएगी और दूसरे टर्मिनल पे लाल तार जिससे फेस की सप्लाई दी जाएगी, हमने बल्ब होल्डर पे कनेक्ट कर दी है। अब हम इसका कवर लगा देते हैं।
तो दोस्तों ये हमारा बल्ब होल्डर के कनेक्शन हो चुके हैं, अब हम बैट स्विच के कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने कनेक्शन डायग्राम में भी देखा, हम न्यूट्रल को डायरेक्टली सप्लाई दे देंगे, बट जो फेस की सप्लाई है उसे हम बैट स्विच के द्वारा देंगे। तो अब ये हमारी न्यूट्रल की तार है, इसे हम डायरेक्टली 230 वोल्ट दे देंगे, और ये हमारी फेस की तार है, इसे हम बैट स्विच के द्वारा कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा बैट स्विच है, अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें भी दो टर्मिनल है, आप देख सकते हो। अब हम इसके एक टर्मिनल पर फेस की वायर कनेक्ट कर देंगे, जो कि बल्ब होल्डर के कनेक्शन से आई है। तो ये तार हमने इस टर्मिनल पर लगा दी। ये बात बिल्कुल ध्यान रहे, मैंने पहले भी बोला है कि कोई भी कनेक्शन लूज ना रहे। तो दोस्तों आप देख सकते हो एक टर्मिनल पे मैंने लाल तार को कनेक्ट कर दिया है, जो कि बल्ब होल्डर के कनेक्शन टर्मिनल से आई है। अब दूसरे टर्मिनल पर हम एक और तार कनेक्ट करेंगे, जो कि पावर सप्लाई से कनेक्ट होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि दोनों टर्मिनल पे तारें कनेक्ट हो चुकी है। अब हम इसके कवर को लगा देते हैं। अब जो एक टर्मिनल पे वायर कनेक्ट हुई है वो होल्डर के टर्मिनल से आई है, और दूसरी तार को हम पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं। अब हम इसको इसका कवर लगा देते हैं। तो दोस्तों ये इसका कवर भी लगा दिया है बैट स्विच का। अब हमारे कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमने होल्डर के टर्मिनल पे कनेक्शन किया एक फेस वायर और न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर को हम डायरेक्टली फेस की सप्लाई देंगे, और फेस वायर को हमने फिर स्विच के टर्मिनल पे लगाया, और स्विच के दूसरे टर्मिनल से हमने एक और वायर को कनेक्ट किया, जिसको हम फेस की सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। तो अब हम CFL लैंप भी इस होल्डर में अटैच कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बल्ब भी लग चुका है, अब हम पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हमने इसे पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे कि बैट स्विच ऑफ पोजीशन पर है, हम इसे ऑन करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने बैट स्विच ऑन किया ये बल्ब ऑन हो गया, और जैसे ही ऑफ किया तो ये ऑफ हो गया। तो इस प्रकार से हमारे बैट स्विच के कनेक्शंस सही हुए हैं, और हमारा बैट स्विच भी काम कर रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम किसी भी बल्ब को बैट स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं, और अपने बेड पर से बैठे बैठे उसको ऑपरेट कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही और इलेक्ट्रिकल स्टफ से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइस।